वेलकम फ्रेंड्स, देखिए आज हम बात करेंगे आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, कैश फ्लो एनालिसिस के बारे में, ठीक है। और आपकी क्लास है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम फाइनल, ओके। तो इसमें क्या है कि अब तक हम फंड फ्लो के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो फंड फ्लो में क्या था कि यूज ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स था, ठीक है। दो चीजें थी, पहली कि कहां से फंड हमारे आ रहे हैं, तो कहां फंड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा और बात कर रहे कैश फ्लो एनालिसिस की, तो कैश फ्लो एनालिसिस क्या है कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हमारा कैश इनफ्लो हो रहा है और कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनपे हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। मतलब कि टोटल इनफ्लो ऑफ कैश और टोटल आउटफ्लो ऑफ कैश फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन को कहते हैं आपका कैश फ्लो एनालिसिस, ठीक है। और कैश फ्लो एनालिसिस के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। आपका मेथड नंबर 1 होता है क्या, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मेथड नंबर 2 है हमारा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और मेथड नंबर 3 है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पहला मेथड पढ़ेंगे आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारे पास दो मेथड होते हैं, आपका पहला होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसमें हमारे पास दो मेथड होते हैं हमारे, फर्स्ट होता है हमारा डायरेक्ट मेथड और सेकंड होता है हमारा इनडायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में बात करेंगे ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास फंड फ्लो का एक फॉर्मेट था, इसी तरीके से हमारे पास कैश फ्लो का भी एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बढ़िया कैसे कोई आपका वर्टिकल्स, इसमें आ जाएंगे हमारे रुपीस और फिर रुपीस, या रुपीस में लिखे क्या आ जाएगा आपका अमाउंट और अमाउंट, ठीक है। जब अमाउंट और अकाउंट हमारे पास आ गया, तो सबसे पहले देखिए क्या आएगा आपका कैश सेल्स, तो कैश सेल्स डायरेक्ट पड़ जाएगी, देन कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेब्टर्स और क्रेडिटर्स, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम डेब्टर्स और कस्टमर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेब्टर्स और कस्टमर्स, ठीक है। उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, टोटल आ जाएगा हमारे पास, लेस कर देंगे इसमें से, लेस कर देंगे क्या कैश परचेजेस, कैश पेड टू क्रेडिटर्स और सप्लायर्स, नेक्स्ट आ जाएगा आपका कैश एक्सपेंसेस वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, रेट्स एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा इन सबको जब घटा देंगे
अमाउंट है तो क्या आएगा हमारे पास, तो बचेगा हमारे पास कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। देन इसमें से हम लेस कर देंगे, ये आया है हमारे पास, इसमें से लेस कर देंगे आपका इनकम टैक्स पेड, तो इसमें से इनकम टैक्स पेड लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देखिए एक बार हम देख लीजिए, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कैश फ्लो एनालिसिस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। कैश फ्लो एनालिसिस के हमारे पास तीन मेथड होते हैं, फर्स्ट होता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और लास्ट है हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो फर्स्ट हम पढ़ लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें क्या है, डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में हमारे पास कैश चेंज है, फिर उसमें हम लेंगे आपका कैश रिसीव फ्रॉम वेंडर्स और कस्टमर्स, ठीक है, ये एड हो जाएगा, ये चीज जमा कर देंगे बाहर। देन नेक्स्ट कैटेगरी उसमें है कैश परचेज, कैश पेड टू क्रेडिटर्स और सप्लायर्स, कैश एक्सपेंसेस लाइक वेजेस एंड सैलरीज लाइक रेट्स एटसेट्रा, जो कैश एक्सपेंसेस हुए वो सारे आइटम के डालने के बाद उनमें कर देंगे लेस, तो क्या आ जाएगा हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्या आ जाएगा हमारे पास इससे। देन कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग लेस कर देंगे इनकम टैक्स पेड, तो उसके बाद बच जाएगा हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो एक तो मेथड हमारे पास ये देख लिया हमने डायरेक्ट मेथड, देन अगला मेथड हम डिस्कस करेंगे कौन सा आपका इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। इसमें आपने जो बच्चे हमारे वीडियो में नोट्स पढ़ा सकते हैं इसके, ठीक है।
कैसे स्टार्ट करेंगे, वही आपका पर्टिकुलर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
नेट कैश
एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इस तरीके से हमने दो मेथड देखी, आपके फर्स्ट वीक का टाइम मेथड छोटा था इससे, सेकंड आपका टाइम मेथड जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा लेंथी है। ठीक है, लेकिन ऐसा इतना सारा नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन से कल से मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर से हम आपके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको क्लियर होती चलिए। ठीक है, आज के लिए अपने इस सेशन में हम अपनी क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में न्यूमेरिकल के साथ हम बात करेंगे। ठीक है, और तीनों ही मेथड के न्यूमेरिकल के साथ हम बात करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स।